Good morning, I am Chief Officer Anish Pandey and this is our tanker vessel. आज हम बात करने वाले हैं अपने चीफ ऑफिसर साहब से जो कि आपको चीफ ऑफिसर की ड्यूटी के बारे में बताएंगे ड्यूरिंग द लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कार्गो। तो अभी शिप पे हर शिप पे ऐसा पता है कि जो भी कार्गो का डिस्चार्जिंग लोडिंग होता है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द चीफ ऑफिसर। तो अभी ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो ड्यूटीज के बारे में देखना चाहते हैं कि ड्यूटी क्या होती है हर ऑफिसर की। तो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं ऑफिसर्स की ड्यूटीज की। तो आज हमें थोड़ा सा शॉर्ट टाइम मिला है अभी जैसा कि ड्यूटी में थी ऑफिसर साहब, तो ये बताएंगे कि इनकी ड्यूटी क्या होती है ड्यूरिंग द पोर्ट डिस्चार्जिंग एंड लोडिंग द कार्गो। और पेपर डॉक्यूमेंटेशन भी कुछ होते हैं वो भी थोड़ा ब्रीफ में करेंगे। आपको अच्छी वीडियो पूरी डिटेल में हमें जब भी समय मिलेगा हम शूट करेंगे और आपको डालेंगे। ये हमारे वेसल का लोडिंग लेटर है, आप देख सकते हैं वी हैव 5 टैंक्स 5 बिन्स फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 5। सो यहाँ से हमें जब कार्गो लोडिंग और डिस्चार्जिंग करते हैं तो हमें इस लोडिंगेटर से हमें क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ कार्गो रेट। तो हमें यहाँ से लोडिंगेटर के थ्रू हम पूरा हमें यहाँ से मेंशन हो जाता है। फिर हमें क्योंकि हम क्लोज लोडिंग करते हैं तो हमें यहीं से साउंडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। ये हमारे वेसल का, इससे हमें साउंडिंग प्लस टैंक के टेम्परेचर ऑल दोस थिंग हम यहाँ से पा सकते हैं। ये देख रहे हैं नंबर 1 पोर्ट नंबर 1 स्टारबोर्ड और टैंक के साउंडिंग एंड टेम्परेचर, हाउ मच टेम्परेचर टैंक में कार्गो का टेम्परेचर क्या है ये हम यहाँ से हमें मिल जाता है। और ये हमें क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी हमने ऑन बोर्ड लोड किया है हमें यहाँ से हमें पता चल जाता था कि ड्यूरिंग लोडिंग और डिस्चार्जिंग कितना हमारे पास ROV है, ROV मीन्स रिमेन ऑन बोर्ड। सो हाउ मच हमने डिस्चार्ज किया है, कितना हमारे पास कार्गो रिमेन है ये हमें यहाँ से मिल जाता है। और ये बंकर रिपोर्ट है, अगर हमें क्योंकि वेसल पे जब हम आफ्टर लोडिंग हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें बंकर रिपोर्ट्स भी चाहिए होते हैं, तो हमें बंकर रिपोर्ट्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। ये हमारे डीजल का क्वांटिटी है, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड डीजल टैंक है, ये हमारा FO टैंक का है। सो हम यहाँ से हमें क्वांटिटी मिल जाती है। तो हमें कैलकुलेशन करते समय ड्यूरिंग कैलकुलेशन वी मेक स्टेबिलिटी कि वेसल को स्टेबल रखना है तो हमें सारा कुछ हमें यहाँ से मिल जाता है लास्ट टैंक का। और वी हैव दिस आवर बलास्ट टैंक, वी हैव 5 बलास्ट टैंक यू कैन सी हियर, नंबर 1 नंबर 2 3 एंड 4 एंड 5 बलास्ट, नंबर 5 बलास्ट टैंक वी ऑपरेट फ्रॉम इंजन रूम्स। तो ये आप देख सकते हैं बलास्ट टैंक है, इसका लाइनअप है, ये हमारा सी चेस्ट है। सो हम बलास्ट भी एक साथ कर सकते हैं ड्यूरिंग लोडिंग और डिस्चार्जिंग। सो ये CCR लोडिंग जो होता है वन मैन शो होता है, यहाँ एक आदमी बैठ के सारा कुछ ऑपरेट कर सकता है और इजी भी होता है। आफ्टर ऑल आप देख सकते हैं हमारा CCR है। आफ्टर ऑल मज़े की बात ये है, करने का मतलब ये है कि चीफ साहब को बैठे बैठे ही इनको सारा काम करना होता है, इनको ज़्यादा भाग दौड़ वाला जॉब इनका नहीं है क्योंकि ये सारा कुछ लोडिंगेटर ब्लास्ट डी ब्लास्ट सब इनको बैठे बैठे यहाँ CCR से ऑपरेट करना पड़ता है। यहाँ पे कंप्यूटराइज पैनल लगे हुए हैं, अगर आपको ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग जो भी करना होता है वो यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसकी हेल्प से ये यूज़ करते हैं। और वहाँ से बैठे बैठे अपना चेस्ट जो भी है अपना सी चेस्ट है वॉल बैग यहीं से बाई ओनली द क्लिकिंग द बटन दे कैन ओपन एंड क्लोज द वॉल। बाकी ये सारा चीज़ें आपको लोडिंगेटर जब भी आप टैंकर वेसल पे हो तो आपको ये सारी चीज़ें टैंकर वेसल जो भी CCR से ऑपरेशन होता है उनमें सारा सिस्टम ऐसे लगा होता है, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस रहेगा और आपको मैनुअली बहुत कम ही चीज़ें करनी होती है। ये सारा सिस्टम हमारा CCR का दैट इज कंट्रोल कार्गो कंट्रोल रूम, ये सारा पैनल है। यहाँ पे हमारा CCTV भी है, एक बार चीज़ आप CCTV को ऑपरेट करके दिखाएंगे, यहाँ से बैठे बैठे शिप का सारा मूवमेंट देख सकते हैं, फॉरवर्ड ब्रिज का भी देख सकते हैं, ब्रिज का सीधा का ब्रिज का दिखेगा एंड फॉरवर्ड में क्या ब्रिज का दिखेगा ब्रिज का ब्रिज व्यू। अब यहाँ से बैठे बैठे ब्रिज का भी देख सकते हैं, ब्रिज पे कौन है क्या कर रहा है। 360 अराउंड कैमरा लगा हुआ है जो 360 मूव करता है फ्रॉम हियर डाउन बाय द जॉयस्टिक, वी आर यूजिंग द जॉयस्टिक फॉर मूविंग एंड जस्ट। तो जहाज का जो भी है चीज़ें आपको 24 घंटे मॉनिटर होती रहती हैं, CCTV लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग होती है और यहीं से बैठे CCR से हम लोग सारा ऑपरेशन देख सकते हैं कि स्टारबोर्ड में क्या हो रहा है, पोर्ट में क्या हो रहा है, आउट पोजीशन में क्या है। बाकी ये हमारा कार्गो टेम्परेचर का पैनल भी है, हमें सारे
टैंकों का टेम्परेचर, कार्गो का टेम्परेचर क्या है, हमें इस पैनल से मिल जाता है। तो हमें मैनुअली साउंडिंग या टेम्परेचर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ हमें यहाँ से ऑटोमेटिक मिल जाता है। फिर हम इसके अकॉर्डिंग फिर अपना कैलकुलेशन करते हैं। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ एक रेफरेंस है। ब्रीफ में हम चीफ साहब के साथ आएंगे अपने अगले सेशन में, क्योंकि अभी हमारे पास हम ड्राई डॉक करने जा रहे हैं, हमारे पास बहुत समय कम समय है, बहुत सारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक अच्छी वीडियो बनेगी जिसमें आपको कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग करते वक्त निकाला जाएगा, और पेपर वर्क क्या पर्टिकुलर करते हैं, बिल ऑफ लैंडिंग, मैनिफेस्ट क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको चीफ ऑफिसर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।